हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको जो ये वीडियो दिखाया जा रहा है, ये वीडियो आप कहीं ना कहीं पर ज़रूर देखे होंगे। और जब भी आप इस तरीके का वीडियो देखते होंगे तो आपके मन में ये ख्याल ज़रूर आता होगा कि यहाँ पर जो ये तरीका किया जा रहा है, ये सही है या गलत है। यहाँ पर इस वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है कि नीचे का जो हमारा फुटिंग मेश है, यानी एक्सकावेशन करने के बाद फुटिंग मेश को जाम कर दिया गया, कंक्रीटिंग कर दी गई, और उसके बाद जो हमारा कॉलम का रेनफोर्समेंट था वो बांध दिया गया है। अब जो है कॉलम की कास्टिंग होने वाली है। प्लिंथ बीम के नीचे जो हम कॉलम की कास्टिंग करते हैं फुटिंग में, वो कॉलम की कास्टिंग होने वाली है। और यहां पर ब्रिक वर्क करके शटरिंग किया गया है। और ये काम आपने कहीं ना कहीं या फिर फिजिकली तौर पर किसी साइट पर या फिर आप इंटरनेट की सुविधा की पर कहीं ना कहीं आपने या फिर इंटरनेट हो या फिर लाइव कहीं किसी साइट पर आपने जरूर देखा होगा। अब हम आपको इस वीडियो में ये बताते हैं कि ये तरीका सही है या गलत है और ये तरीका क्यों किया जाता है। तो पहले मैं आपको बताऊं कि इस तरीके का काम करने के पीछे मिस्त्री या ठेकेदार का सिर्फ एक ही पर्पज होता है, शटरिंग के पैसे को बचाना। यानी कि उस जगह पर शटरिंग करना थोड़ा क्रिटिकल है, और उसके बाद शटरिंग मटेरियल अगर उपलब्ध नहीं है और शटरिंग करने में टाइम लग रहा है, तो इसलिए जो है वहां का जो कॉन्ट्रेक्टर होता है इस तरीके का काम करता है। अब हम आपको बताते हैं कि ये करना सही है या गलत है। देखिए, ये काम करना एकदम गलत है, ये किसी भी तरीके से सही नहीं है। इस तरीके का कहीं भी किसी भी कंस्ट्रक्शन पैटर्न में नहीं बताया गया है कि आपको इस तरीके की शटरिंग करनी है। ये शटरिंग करना गलत है। मैं आपको कुछ पांच या छह पॉइंट्स बताऊंगा जो पॉइंट जानने के बाद आप जान पाएंगे कि ये करना कितना सही है और कितना गलत है। देखिए, जब भी आपके साइट पर काम हो रहा हो और इस स्टेज पर आने के बाद आपका भी कॉन्ट्रेक्टर अगर इस तरीके से काम करने के लिए बोलता है और ये बोलता है कि हमारे पास मटेरियल नहीं है, शटरिंग करने के लिए प्लाई नहीं है या स्पेस नहीं मिल रहा है, तो हमको इस तरीके का काम करना होगा, तो इस तरीके का काम आपको नहीं करना है। ठीक है, इस तरीके से काम करने में आपके ढेर सारे नुकसान हो सकते हैं। अब देखिए, कुछ मैं आपको पांच छह पॉइंट्स बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो ये ब्रिक यूज किया गया है, ये ब्रिक हमारा वेस्ट हो जाएगा। जो भी यहां पर 25, 30, 40, 50 जो भी हमारे ईंटे लगेंगी जो कंक्रीटिंग करने में, ये हमारे ईंट टोटली वेस्ट हो जाएंगे। देखिए, कभी भी क्या है, हमारा जो ब्रिक है जब हम उसको लाए हैं तो हम अपने ब्रिक वर्क करने के लिए पार्टीशंस, वॉल वॉल्स बनाने के, इन सारी चीजों के लिए लेकर के आए हैं। कॉलम कास्टिंग करने के बाद हमको अपने फाउंडेशन में सॉइल डालना है या फिर सैंड फिलिंग करनी है। यहां पर जिस ईंट की कंक्रीटिंग, जिस ईंट का शटरिंग करके कंक्रीटिंग कर दिया गया, इस ईंट को अब रिमूव नहीं किया जा सकता क्योंकि ये अच्छी तरीके से फिक्स हो गया है। और करने में सारे ईंट जो है अपने शेप में नहीं निकलेंगे, टूटे फूटे निकलेंगे। तो आपका सबसे पहले ब्रिक वेस्ट हो गया, और आपका ईंट महंगा आता है, आपकी मिट्टी सस्ती आती है। तो फिलिंग में आपको ईंट यूज नहीं करना है, आपको वहां पर जो है मिट्टी यूज करनी है या फिर आपको सैंड यूज करना है, फिलिंग मटेरियल यूज करना है। पहला तो ये हो गया। दूसरा कि शटरिंग करने में टाइम कम लगेगा, ब्रिक वर्क करने में आपका ब्रिक के साथ मजदूरी यानी कि टाइम, आपका मटेरियल भी वेस्ट होगा। यानी कि जो आप सीमेंट बालू यूज कर देंगे, गिट्टी जो सीमेंट बालू या फिर ईंट जो आप यूज कर दे रहे हो, फिर आप उसको दोबारा रिकवर नहीं कर सकते। लेकिन आप शटरिंग किए होते प्लाई से, एमएस प्लेट से, तो फिर उसको रिमूव कर पाते। अब तीसरा पॉइंट समझिए, हमारा ईंट जो है इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन है, या वो ईंट जो आप देख रहे हैं कि नए ईंट से ब्रिक वर्क किया गया है, या वो ईंट की बात कर लूं, या फिर दोनों साइड्स पे जो आपको पुराने कंस्ट्रक्शन दिख रहे हैं वो उनके भी ईंट एकदम सूखे हुए हैं और वो भी कंस्ट्रक्शन ईंट का है। अब ईंट की प्रॉपर्टीज क्या है कि वो पानी को एब्जॉर्ब करता है। एक तो पहले ही आपके दोनों साइड में ईंट है, और उसके बाद क्या किया आपने, फिर से ईंट की फ्रेमिंग भी कर दी, ईंट का आपने शटरिंग भी कर दिया। अब प्रॉब्लम ये होगी कि जब आप कंक्रीटिंग करेंगे तो उस कंक्रीट के पानी को ये सारे जो ईंट है ये एब्जॉर्ब कर लेंगे, और इनिशियल टाइम में ही जो आपके कंक्रीट को स्ट्रेंथ गेन करने के लिए वाटर की बहुत सख्त जरूरत होती है, और ये पानी तुरंत एब्जॉर्ब कर लेगा आपका ब्रिक।
तो आपका जो कंक्रीट है वो कमजोर हो जाएगा, यानी आपका कॉलम कमजोर हो जाएगा। और अगर फाउंडेशन में ही आपने कॉलम कमजोर बना दिया तो आपका घर निश्चित तौर पर भूकंप के टाइम में क्रैक आएगा और घर आपका गिर भी सकता है। चौथा क्या है, क्यूरिंग की भी प्रॉब्लम आपको आने लगेगी। देखिए, क्यूरिंग का तरीका यह है कि मान लीजिए कि हमने स्लैब किया, हमने कॉलम की कास्टिंग करी, बीम की कास्टिंग करी, तो अगले दिन हम क्या कॉलम के फ्रेम को जो हमने शटरिंग किया उसको खोल करके क्यूरिंग करते हैं। यहां पर हमने क्या किया है, अब हमारा ईंट का जो है लेयर बन चुका है। अब कॉन्क्रीट को अच्छे से क्यूरिंग देने के लिए जब भी आप पानी डालेंगे तो यह ब्रिक हमेशा एब्जॉर्ब करता रहेगा उस पानी को, तो वहां भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आप प्रॉपर क्यूरिंग भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये तीनों चारों साइड से कवर हो चुका है, पानी अच्छे से इसमें अंदर नहीं जा रहा है, तो एक पानी की भी वेस्टेज होगी, आपको देर तक करना पड़ेगा और वो भी अंदाजा नहीं है कि पानी पूरा नीचे तक क्यूरिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि क्यूरिंग करने के लिए क्या कहेंगे, पहले आपने अगर शटरिंग किया है तो शटरिंग मटेरियल को आप रिमूव करिए उसके बाद क्यूरिंग करिए, पर यहां पर आप वो भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद स्टील जो है आपका बीच में खड़ा हो गया है आपके कॉलम के लिए। अब इस तरीके से आपने जो है उसको फ्रेमिंग कर दिया है, अब आप कवर ब्लॉक अच्छे से नहीं लगा पाएंगे, और कवर ब्लॉक नहीं लगा पाएंगे तो आपका सरिया आड़ा टेढ़ा तिरछा आएगा प्रॉपर बीच में। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप 9 इंच बाई 9 इंच का कॉलम कास्ट कर रहे हैं तो दोनों पूरे साइड में 1-1 इंच का गैप दिखना चाहिए, वहां पर कॉन्क्रीट का कवर होना चाहिए, कॉन्क्रीट होना चाहिए। अब जो आपका सरिया किनारे आ जाएगा एक तरफ तो वहां पर आपका कॉन्क्रीट कम रहेगा, और कॉन्क्रीट कम होने की वजह से सरिया किनारे होने की वजह से सरिया में धीरे धीरे जंग लगेगा क्योंकि सरिया मॉइस्चर के संपर्क में आएगा तो आपका सरिया भी नुकसान होगा। अगला देखिए क्या है, जब आप कॉन्क्रीटिंग करते हैं तो आपको बार बार कहा जाता है कि कॉन्क्रीटिंग करते समय आपको वाइब्रेटर का यूज करना है, पर इस तरीके का अगर ब्रिक वर्क करके आप करते हैं तो अगर आप वाइब्रेटर लगाएंगे तो पूरे चांसेस होते हैं कि ये शटरिंग खुल जाएगी। देखिए, अगर आपने वाइब्रेटर नहीं लगाया और हनी कॉम आ गए तो भी आपका स्ट्रक्चर कमजोर हो गया, और अगर आपने वाइब्रेटर लगाया और ये शटरिंग खुल गई, क्योंकि खुलना ही है, ये 4 इंच की दीवार है और 4 फीट की हाइट तक किया गया है, काफी लोड आएगा इस पे हमारा जो भी हम कॉन्क्रीटिंग की क्यूरिंग कॉन्क्रीटिंग की पोरिंग करेंगे, तो अगर ये खुल जाएगा तो आपका पूरा का पूरा मेहनत वेस्ट हो जाएगा, आपका पूरा कॉन्क्रीट वेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके का काम आपको किसी भी साइट पर नहीं करना है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक को आप अच्छे से क्लियर कर लिए होंगे। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, हम पूरी कोशिश करेंगे किसी दूसरे वीडियो में अच्छे से समझाने की। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज इन फ्यूचर देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक यू।